जल रहा बड़ा। अब ना तो गलत ही करेगा। मार्कर्स, दो मार्कर्स हटाने हैं और कैट बन जाना चाहिए। एक कर दिया। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज सब्जी सब बन रेडी है मेरी। आज मैं बना रही हूँ भेड़ और दाल। शौर्य आके फिर बोलने वाला है, कल तो पार्टी हो गई थी बच्चों की। तो देखते हैं क्या क्या करेंगे, जो जो करेंगे आपको वो दिखाएंगे। बने रहिए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। और क्रेजी फैम, आज मैं जाने वाली हूँ अपने कान की दोबारा से प्रेसिंग कराने के लिए, क्योंकि जैसे कि देख रहे होंगे पूरी तरह हील हो गया है, क्योंकि वर्मा भैया जो है ना वो हमारा घर वाली बात है उनके साथ। कल मैंने आपको सेट दिखाया था, अच्छा लगा। जो कुछ अच्छा नया आता है ना वो मुझे ज़रूर दिखाते हैं, शेयर करते हैं, खुशी भी होती है। और जेन्युइन डिज़ाइंस, यूनिक डिज़ाइन, जेन्युइन प्राइस। और हम मेरे लिए तो बड़े भाई की फिगर है वो तो, और उन्होंने बोला अब एक बार और पेस्टिंग करवा लो ताकि लीना की शादी तक बिल्कुल मेरा कान परफेक्ट हो जाए। तभी घर के बंदे से कराने का ये फायदा होता है ना कि अच्छी आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो अब आज जाऊंगी लंच के बाद, उन्होंने बुलाया क्योंकि रश कम होता है ना शॉप पे। तो अब ये जाती हूँ और ये करवा के आती हूँ, आपको साथ लेके जाऊंगी, दिखाऊंगी क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर है। मतलब बिल्कुल अच्छा करेंगे, ऐसा कर देंगे कि बिल्कुल कान लगेगा ही नहीं कि कोई पहले कभी दिक्कत भी थी। कौन आ गया है? हेलो कर दे चल। कैसा था दिन? और आज आपके लिए बनाई है दाल और मैं नहीं क्या मतलब बाजार से खिला दो कुछ क्रेजी फैम, देखो कितना तंग करता है ये। तो बेटा दाल भी तो खाते हैं लोग। शौर्य की डिमांड पे दाल की जगह क्या खा रहा है शौरू? ये बच्चा ना खाने में अपनी पसंद की चीज ही खाता है, इस खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना शौरू। चल एग परोंठी बना दी, ये तो हेल्दी है। और साथ में देख रहा है तारक मेहता, परोंठी तो कोई बात नहीं तेरे लिए तो चाहिए बेटा, बच्चे भी नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। अब सना आएगी लेट, तब तक इसको खिला देते क्रेजी फैम, फिर मिलते हैं सना के साथ। मस्त है, खा ले मेरा बेटा। क्रेजी फैम आ चुका है कुणाल। कुणाल क्या हुआ, उदास उदास लग रहा बड़ा, कुछ तो हुआ है बता। अरे मेरी अभी बेइज्जती हो गई। किससे बेइज्जती करी तेरी, किसकी मजाल? भैया मिल गए एक। कौन से भैया जानते हैं? अच्छा तो कहते हैं कि क्या हुआ लग रहा है पहले से। मैंने कहा मैं तो 15 दिन से डाइटिंग कर रहा हूं। तू तो 15 दिन से भाई, तूने तेल घी की शक्ल नहीं देखी, मीठा नहीं देखा। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। 15 दिन में हिट थोड़ी करता इतनी जल्दी यार। 15 दिन में कोई तेरे को हेल्दी बोल रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? कोई बात नहीं, मैं फिर भी करूंगा, ये भगवान चेक कर रहा है मेरे को। चेक नहीं कर रहा, तेरा दिल नहीं टूटा? नहीं। क्या हो गया? तो इसे भी कब से? मेरा भी 12 और 15 का पड़ रहा है। उसका क्या टोल है और इसका? साइन, दैट्स द रोल। टीचर्स ने बोले कैंसिल्ड है। लो एक तो क्लियर हुआ, फिर तो उसकी एक लेवल क्लियर, अब शौर्य बचा बस यार। हो ये भी डर गया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं भी प्रैंक कर सकती। इसे प्रैंक नहीं कहते, इसे कहते हैं पर इतनी प्यारी एक्टिंग करते मेरे बच्चे सारे यार। चलो भाई अब दोनों बैठ गए हैं खाने, हाथ से खाने का मजा ही अलग है। चलो कुणाल चले मनो भैया के पास, ये करवा ले। चलो ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सना आप पढ़ो, मम्मा ये करवा के आती, पेस्टिंग ही करवानी है आज, अपनी स्कूटी पे क्योंकि वहां से आगे मुझे कहीं और जाना है। और बच्चे पढ़ रहे थे वापस, अब जाके शॉप पे जाके मिलती हूँ मैं आपसे। रॉयल मार्केट फिर से, रॉयल वर्मा ज्वेलर्स। मैं चाची की काम देखो। आपको मैंने एक बात नहीं बताई थी, ये मेरी गलती थी, नारियल का ना तेल लगा भैया, अब पक्का लगाऊंगी, अब पक्का परहेज नहीं करा बिल्कुल, मेरी मिस्टेक थी। नारियल का तेल मुझे लगा कि हो जाएगा ऐसे, इस बार ही पक्का लगाऊंगी। ये देखो फिर से सेम प्रोसीजर, सिर्फ एक मेरी गलती की वजह से कि नारियल का तेल नहीं लगाया। हाँ ये फिर जल रहा है भैया, थोड़ा अच्छे से लगा दो भैया। जल रहा बड़ा, थोड़ा ध्यान रख लिया होता तो फिर से एयरपोर्ट लग गया आपको। क्रिसमस लगा दो भैया, भी मिस्ट्री बन की तरह आवाज नहीं देते ना, आवाज देते हैं ना, सिर्फ हाथ आता है उनका। मिस्ट्री बन के रहे दोस्त है ना।
चलो एयरपोर्ट लग गए फाइनली। चलो ठीक है, अब मैं नारियल का तेल लगाऊंगी और फिर बताऊंगी आपको कितने दिन में गया। तीन चार दिन में आ जाओ, ठीक है। सना के बर्थडे तक तो हो जाएगा, अगले महीने तक तो फैन मांगूंगी। फिर प्रिया सिंह हो जाएगी? प्रिया सिंह नहीं होगी अभी, फिर कब होगी? जल्दी कर दो। क्रेजी फैम आ चुकी हूँ और वापस सैर कर रही हूँ। कल भी मैं सो गई थी बच्चों के चक्कर में, ये देखो कितना पसीना आना शुरू हो जाता है ना। मैंने कहा आपसे ही बात कर लूँ। और ये देखिए कान जो करवा के आई हूँ ना, इसका डिटेल मैं बताऊँगी, मेरी गलती से रह गया है। देखो ये कितना अच्छा हील हुआ, इसमें ना ज़्यादा कटा हुआ था। भैया ने इतना बोला था कि नारियल का तेल लगाना, अगर लगाया होता ना तो अब तक ठीक हो चुका होता। मेरी गलती थी, पर कोई बात नहीं, भैया इतने स्वीट थे उनसे फिर लगवाई मैं। मैं कहा अब लगाऊँगी पक्का, सैटरडे चेक करवा के सना के बर्थडे तक तो ठीक हो जाएगा। अभी कुणाल आने वाला है, सैर कर लूँ, फिर उसके साथ बैठ के आईपीएल देखेंगे। राजस्थान और लखनऊ का मैच शुरू हो गया है और काफी जल्दी दिखाई ट्रिब्यूट देने में। और क्रेजी फैम इतनी भूख लगी हुई थी इस बेवकूफ ने शॉर्ट्स के लिए, में इसके फोन में बैटरी कभी होती नहीं ना, स्टोरेज होती है। मैंने फटाफट वो ग्रीन टी के साथ वो पोहा खा लिया, सैर के बाद भूख लगी हुई थी। बाद में कह रहा है वो तो शॉर्ट्स के लिए बनाई, आपके ब्लॉग के लिए। तो आपके फोन से सना का कॉल आ गया, मैं क्या करूं? तो अब दोनों फोन आगे वो देख लीजिए शॉर्ट्स के लिए बनाई हुई है। और हर चीज के लिए इनके पास सोल्यूशन होता है कि क्या हो गया वो लगा देंगे। बॉम्बे का क्या खाएं क्या खाएं, मिसल पाव भी सोचा। रिया रावत जी ने बोला था मिसल पाव खा लीजिए, मिसल पाव मुझे आता नहीं, ट्राई करूंगी कभी बना के यूट्यूब से देख के। और लकीली आज हमने पोहा ही बनवाया था, मुक्ति से पोहा बना था। मैं कही तो बॉम्बे का होता है, वो जो पोहे होते हैं वो बॉम्बे के तो होते हैं, तो आज वही खा लिया। ट्रिब्यूट हो गया बॉम्बे का, बॉम्बे अच्छी जीत रही है, मुझे तो लग रहा है कब भी वही ना ले जाए। तो देखते हैं बॉम्बे की, और मिसल पाव वड़ा पाव भी ट्राई जरूर करूंगी, चाहे एक ही बनाना पड़े। जब से इसको बोल दिया ना किसी ने, भैया ने बोल दिया है कि हेल्दी लग रहे हो, तब से ये कुणाल इतना परेशान है। इस पर वही बात है, हमारी जड़ी बूटी भी काम नहीं करी। मैंने बोला ये कह रहा है अब ये मैं चावल छोड़ दूंगा, मैं कहा जीना ही छोड़ दे फिर, कुछ नहीं फायदा कर रहा और जिंदगी जीना। क्या कुछ नहीं फायदा कर रहा बाबू, आप और वो कर दो। मेरी सुन इतना परेशान है, नॉर्मल खा, घर के खाने से कुछ। मैं घर का खाना ही खा रहा हूँ और क्या खा रहा हूँ, इतने से चावल खा रहा है, इतनी से सब्जी खा रहा है। A few moments later. ये सबकी चाय, और ये देख ये मैं क्या कर रही हूँ, ये हर माँ करती होगी। इसके अंदर ना दाल चौड़े वैसे नहीं खाता, मैं मुंह की दाल में आटा और रात को खिलाऊंगी इसको दाल वाली रोटी। मस्त होती है ये तो। सुबह इसने आके अंडा खा लिया, पता है दाल नहीं खाई। तो ये मस्त बद्दी खाएगा नहीं? अच्छा होती है, अच्छा और कुछ बेटा देख, वैसे भी वैसे सदमे में हूँ मैं, और मत करो। ये देख खूब सारी, इसको ना सिर्फ दाल में भूनूंगी और ऐसी मस्त बनती है ना, सना को भी अच्छी लगती है, दोनों को खिलाऊंगी। यार एक बात बताऊं, अभी ना तुमसे एक चीज कराऊंगी, तीनों से होस्ट मैं रहूंगी उस गेम की। गेम की क्या, जो चीज कराऊंगी आई कैन बेट की वो तीनों में से कोई नहीं कर सकता। चलो और छोरे आता है, उसकी क्लास चल रही है, बस उसके खाने से पहले करेंगे। यार करवाओ वो जो कह रहे। चलो 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 सना, सना बहुत पढ़ लिया यार, बहुत कॉपी कर लिया, अब चेहरे भी कर लेते यार। अगर तूने ये कर लिया ना, कोई भी करेगा ना, अब मैं कुछ बड़ी बात नहीं कर रही, उसको छोले भटूरे खिलाऊंगी मैं सैटरडे को। वो देख लो तो मेरा क्या फायदा इसमें, तो ये जो आप ऐसे भी खिला, मेरे को एक प्रोटीन का डब्बा दोगे आप? ठीक है हैं जी, प्रोटीन का डब्बा दोगे छोले भटूरे अगर हो गया तो? मेरे को तो मोमोस खाने हैं सैटरडे को। कुछ नहीं खाना, मैं कुछ नहीं प्रॉमिस करी। ये चाची को बनाने छोले भटूरे इसलिए बोल रही है, और वो कोई जीते ना जीते सबको फिर भी खाने हैं। अगर तुम कर दोगे ना तो तुम मतलब इंटेलिजेंट, आपने किया मेरे को तो आता है ना, वो देख लो सना, देखिए बेटा ये क्या लिख रहे हो, आईसीयू सना। पहले ही कसम खाओ तो फिर पहले सना नहीं करेगी, तो सना नहीं करेगी ना, मैंने भी नहीं देखा। मैंने कैसे देखा है, मैंने सेव करने के लिए ना जहाँ देखा था मैंने इससे इसके इधर उसके नंबर ऐसे नहीं, मैं शॉर्ट्स देखती हूं। देख लो ये क्रेजी मैम इससे बदलता है, यही करती है। अच्छा चलो अब ये जो आप लिखा हुआ है इसमें आपको दो क्या लिखा, 100 है ये, 100 है, दो मार्कर्स हटाने, इसको कैट बनाना है। पहले शोर नहीं करेगा, सिर्फ दो मार्कर्स हिलने चाहिए और कैट बन जाना चाहिए। कैट इन लेटर या कैट इन सी ए टी, कैट अच्छा न्यूमेरिकल भी होता है। फिगर कैसे बनेगी जी भाई, बिग ब्रेड बोलने में जा कर रहा था। चल सामने आ जाना सामने, काम करती हूँ।
सना भूल चुकी होगी मुझे लग रहा है। हाँ मैं ये ना अब ये वो सेफ खेल रही है मेरे को लग रहा है, लास्ट में ये भी करेगी। अगर इसे कर दिया तो कर दिया तो क्या है, ना, गलत ही करेगा। दो मार्कर हटाने हैं और कैट बन जाना चाहिए। कुणाल को तो लग रहा आता है। नहीं ये देखा कुछ देखा तो नहीं वाला उन्होंने। नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, इसमें कुछ तो ट्रिक है भाई, बस ये है। दो मार्कर हटाओ। अच्छा कि इसको पकड़ के ला सकते कहीं पे भी ला सकते हो, बस हटा के दो की पोजीशन चेंज कर सकते हो। और क्या बताऊं मैं, शायद समझ गया। चलो छोरे जल्दी करना, कुछ भी कर लेना। अच्छा वो तो दो हो जाए, दो ऐसी मेरा सी बन जाए। अच्छा ऑर्डर में भी होना चाहिए। वो देख एटीसी थोड़ी लिख देगा भाई। बता दो कहीं से, बताओ ना कैट पीछे से ठीक है भाई। क्या सॉरी आप कर सकते हो बेटा, आपका सीसीटी बन जाएगा। सीसीटी क्या होता है, बनाइए सीसीटीवी। ये और सी उल्टा, एक का मुंह उधर, टी उल्टा लेटा हुआ है। चलो सॉरी हार चुका है, अब मेरी बारी। इधर ही आ जा, तू भी इधर ही आ जा बेटा, इसको पहले बनवा लो। चलो अब कुणाल की बारी। हाय राइट, इसको आ गया या तो इसने देखी हुई रील, बिना देखे तो मुश्किल है। कसम से नहीं देखी। इधर आ जा, इसे देख लो रील स्वाइपर को। हां चलो, इसका बहन का तो कॉन्फिडेंस ही अलग है सना। वाओ तो ए बन गया ये तो कैट हो गया। नाइस, ये दिमाग चल रहा था इसका। नहीं नहीं इसका दिमाग आज चल भी रहा है, इसको वो बोल दिया ना हेल्दी थोड़ा सा। छोड़ तुझे नहीं बताया, आज ये ना गया वो किसी वहाँ भैया के पास कुछ सामान देना था। भैया कह रहे क्या बात है आप बड़े हेल्दी लग रहे हो, और 15 दिन से बेचारे ने एक कर दिया। टिक टिक वन, टिक टिक टू, नाइस नाइस। सॉरी ये दिखाना है कितना बढ़िया लग रहा है। टिक टिक थ्री, अब ऐसे करो आप भी बिना देखे नहीं कर सकते थे। रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, सना करके दिखाई किसे देखा हुआ है, क्योंकि कॉन्फिडेंस याद नहीं है। हाँ हाँ अब पता चलेगा इसकी, होगा अब मजा आएगा। अगर नहीं हुआ तो बनाऊंगी, बोल पता है उसको। ये ले बन गया, कोई बन गया, कोई आदमी देखा, इतना इजी था वो तो। मैं एक्टिंग कर रहा था कि चलो बच्चे को जीतना। नहीं नहीं अबे ऐसे देख, वीडियो में प्रॉपर कैट लग रहा है, देख वीडियो में देख। हाँ ओए हाँ, ये देख ना। अब मैं एक चीज कराना चाह रही हूँ, नाइस है। क्रेजी फैम, यहाँ पर मैं मम्मा और बाकी सबको चैलेंज दे रही हूँ, बाकी सब क्या हमारे नाम भी कुणाल शौर्य और शौर्य को भी, कि ये ग्लासेस ऐसे तीन फुल है, तीन एम्प्टी है, ठीक है। इसे एक सीरीज में डालना है कि ये एम्प्टी फुल एम्प्टी फुल एम्प्टी फुल होंगे, और आप सिर्फ एक ग्लास मूव कर सकते हो। एक ग्लास कैसे मूव हो सकते, काम कर रहे। और हाँ आज मैं में क्या है मामा, क्या बनाओ मिस ड्रामा मिस, एक मोमोज बना दो, प्लीज ना, दिनों बाद डन होता है, ये टाइम ही नहीं मिल रहा था डन करने का, टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको। चलिए क्रेजी फैम, इसी दाल वाली रोटी के साथ छोड़े, देखिए कितना खुश लग रहा है। इसी के साथ आज का दिन खत्म होता है, और इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। चलो नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।